आज का हमारा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने वाले हैं एट एलिफेंट आइलैंड। हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर मॉर्निंग विद एक्सेल माइंड। तो आज हम लोग आपको लेके चलेंगे एलिफेंट बीच, जहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे। तो हम देखते हैं हम कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं और आपको दिखाएंगे हम अपने साथ साथ। और फिलहाल तो हम अपने होटल में हैं जहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे एलिफेंट बीच के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड फेरी घाट, जो कि अटैच्ड है हैबलॉक जेटी से। एंड यहीं पर बोट्स एंड फेरीज अलॉट होते हैं एलिफेंट बीच जाने के लिए। बट फर्स्ट यू हैव टू फिल अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें बेसिक डिटेल्स मेंशन करने पड़ते हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ मेंबर्स यू आर गोइंग विद। तो आपका टिकट में बोट का नाम मेंशन है और टिकट में भी नाम मेंशन है, गोइंग एंड कमिंग बाय द सेम बोट रहेगा। जो बोट से यहाँ से एलिफेंट बीच जा रहा है ठीक वही बोट से आपको वहाँ रिटर्न बैक करना है। So this guy was our instructor and he was telling a bunch of basic stuff to us, like कितनी देर के लिए आपको आइलैंड पर बोट छोड़ेगी, क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं वहाँ पर, एंड कुछ बेसिक सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जस्ट सो दैट नथिंग गोज रॉन्ग ऑन द वे। आपका भी फोर्स टू है सो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग एट 8 AM टिल 12 PM आपको कोई भी बोट या फेरी एलिफेंट आइलैंड जाने के लिए आराम से मिल जाएगी। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज़ अराउंड 9 किलोमीटर्स, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। इट टेक्स अराउंड 20 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस, सो यू कैन ईजीली कैच अ बोट और अ फेरी फ्रॉम हेयर। सो टिल नाउ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ के लिए एंड हमारी अपकमिंग जर्नीज़ के लिए, जिससे कि हम हमेशा आप सबको एंटरटेन रख सकें। सो अभी तक आप सब लोग ये तो जान ही चुके होंगे कि एलिफेंट बीच इज़ फेमस फॉर इट्स वाटर एक्टिविटीज़, बट डोंट यू गाइज वांट टू नो कि इसको अपना नाम कैसे मिला, हाउ दिस बीच गॉट इट्स नेम। देयर आर टू थियोरीज ऑन द इंटरनेट सेज, फर्स्ट वन इज़ के पुराने ज़माने में एलिफेंट्स ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे, सो वो लोगों को बीच तक लाने में मदद करते थे एंड दैट्स हाउ दिस बीच गॉट इट्स नेम एलिफेंट बीच। एंड सेकेंड थियोरी इज़ कि ये जो एरिया है बेसिकली एलिफेंट बीच का, यहाँ के जितने भी ट्रीज़ हैं मैनग्रोव ट्रीज़, उनकी जो रूट्स हैं दे आर शेप इन फॉर्म ऑफ एलिफेंट्स। सो ये भी एक रीज़न है वाई दिस बीच इज़ कॉल्ड एलिफेंट बीच। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट बीच पे, और ये जो आपको हट्स दिख रही होंगी दीज शेड्स, ये रेस्ट करने के लिए हैं यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा धूप लग रही है तो यहाँ यू कैन रेस्ट ओवर हियर। एंड इन्हीं के बगल में लॉकर रूम्स भी थे जहाँ पर आप सेफली अपना सामान सिक्योरली रख सकते हैं। जो है आपका बोट का नाम है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा क्योंकि एलिफेंट बीच जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्टिविटीज करेंगे या कोई भी कंप्लेंट करना होगा तो सबसे पहले आपसे आपका बोट का नाम ही यहाँ पे पूछा जाएगा, और जिस बोट से आप लोग इस बीच में हैं वही सेम बोट से आपको वापस भी जाना है, तो आपका बोट का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, एक्टिविटीज में आप लोगों को यहाँ पे फ्री स्नॉर्कलिंग पैकेज आपको यहाँ पे दिया गया है, जो एक्टिविटी आपका यहाँ पे होगा वन बाय वन करके। स्नॉर्कलिंग एक्टिविटी करने के लिए आपको यहाँ पे स्विमिंग जाना जरूरी है, ये जो है नॉन स्विमर एक्टिविटी है, हर कोई एक्टिविटी कर सकता है।
इसमें सिर्फ आपको फ्लोट करना होता है। फ्लोट करने के लिए हम लोग आपको एक लाइफ जैकेट और एक फ्लोटर बना देंगे जिसके थ्रू आप वाटर के सरफेस से फ्लोट कर पाएंगे। और एक आपको मैग्नीफाइड ग्लास वाला हाफ मास्क आपको बनाया जाएगा जो पहन के आप पानी के अंदर का जो रिस्क होता है आप देख भी पाएंगे और ब्रीदिंग आपको इसमें माउथ से ब्रीथ कर। तो ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद हमारा जो गाइड है आपको लेके जाएगा शैलो वाटर में, पहले आपको ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग आपका कंफर्टेबल होने के बाद ही हमारा जो गाइड आपको धीरे धीरे टो करते लेके जाके यहाँ पे फर्स्ट रेड कलर का फ्लोटर है वहाँ तक आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे जो अंडर वाटर जो कोरल रीफ आपको दिखा के वहाँ से आपको वापस लेते हैं। ये 5 to 7 मिनट्स का एक्टिविटीज़ है जो आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री है और ये सभी के लिए। इसके बाद यहाँ पे और एक एक्टिविटी है जो चार्जेबल है, डीप सी स्नॉर्कलिंग, जो ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें आप लोग फैमिली वाइज या कपल्स में एक साथ मिलकर जा सकते हैं। अगर आप लोग कोई दो लोग जाना चाहेंगे डीप सी स्नॉर्कलिंग में, दो लोग के साथ में हमारा 3 गाइड आपके साथ में जाएगा, 2 सेपरेट और 1 कैमरामैन होगा जो आप लोग दोनों को लेकर जाएगा शैलो वाटर में। पहले आपको फुल फेस कवर मास्क बनाएंगे जिसके थ्रू आप नोज एंड माउथ दोनों से ब्रीथ कर पाएंगे। पानी के अंदर आप बातें भी कर सकते हैं, अभी आप जैसे नॉर्मली आप नोज से ब्रीथ कर रहे हो वैसे पानी में भी आप फुल मास्क पहन के नोज से ब्रीथ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद आप लोग दोनों को लेके जाके पहले जो आपका फ्री स्नॉर्कलिंग होगा पहले वो दिखाया जाएगा, फिर आपको वहीं से आगे कंटिन्यू कराएंगे। आपको थर्ड फ्लोटर दिख रहा है डीप थर्ड फ्लोटर रेड कलर, तो वहाँ तक आपको लेके जाएंगे और वहाँ पे जो अंडर वाटर जो कोरल रीफ आपको दिखाने के बाद हमारा जो गाइड है वहाँ पर फिश फ्रिंग भी करेंगे। जब पानी के अंदर में फीट डालेंगे तो वहाँ पे रीफ में रहने वाले बहुत सारे कलरफुल फिश जो है फीड को खाने के लिए आपके फेस के सामने आएंगे, तब वहाँ पे आपका एक वीडियो बनाया जाएगा जो 3 to 4 मिनट्स का होगा और आपको यहाँ पे मोर देन 50 to 60 फोटोज भी आपको इसमें दिया जाएगा। और ये जो है चार्जेबल एक्टिविटी है, 1000 rupees पर डे इसका चार्ज करता है। ये 1000 में आपको यहाँ पे फोटो वीडियो एक्स्ट्रा गाइड डीप सी स्नॉर्कलिंग और फुल फेस कवर मास्क ये सारी चीज़ें जो आपको उसमें इंक्लूड रहेगा, इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना। और ये एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं है, वाटर का कोई प्रेशर नहीं होता है जिसकी वजह से आपके कान में फेस में सब पानी नहीं जाएगा और ये 15 से 20 मिनट्स का एक्टिविटी है। अगर आप डीप में इंटरेस्टेड रहेंगे तो आपका फ्री स्नॉर्कलिंग और डीप स्नॉर्कलिंग दोनों एक साथ में कराएंगे, बेनिफिट आपको ये दिया जाएगा। फ्री स्नॉर्कलिंग में आपको हाफ मार्क्स नहीं देंगे, आपको फुल मार्क्स बनाकर डायरेक्टली दोनों एक्टिविटी एक साथ में कराएंगे। या आप में से कोई अगर डीप सी स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहा है वहाँ जाने के वक्त अगर किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जैसे कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके साथ में जो सेपरेट गाइड होगा आप उनको बता देंगे तो वहाँ से आपको वापस लेके आ जाएंगे, तो आपका जो पेमेंट होगा 1000 rupees जो है पूरा का पूरा जो है रिफंड हो जाएगा। सो बीच का व्यू इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि हम लोगों से बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था एंड हमने फटाफट से चेंज किया एंड अपना सारा सामान लेकर हमने लॉकर रूम्स में रखवा दिया। तो यहाँ पर लॉकर रूम्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, 100 rupees पर लॉकर आई गेस, एंड बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है ये। तो आप वहाँ पर अपना सारा सामान रखवा कर पूरे बीच का मज़ा ले सकते हैं। तो डीप सी स्नॉर्कलिंग में आपको एक ब्यूटीफुल सा अंडर वाटर एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आप फिशेस के साथ फ्लोट कर रहे हैं, लाइव आप कोरल्स को देख रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, यू आर वेयरिंग अ लाइफ जैकेट एंड एक स्नॉर्कल, स्नॉर्कल इज अ फेस मास्क, उसमें एक पाइप अटैच्ड होता है जो कि पानी के ऊपर रहता है एंड उससे आपको कॉन्टीन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है जिससे कि आप विदाउट एनी इरिटेशन अंडर वाटर अपना मुंह रख सकें एंड थ्रू आउट द स्नॉर्कलिंग प्रोसेस आप प्रॉपर व्यू देख सकें और आप फ्लोट कर रहे हैं अपनी बॉडी को लूज छोड़ के एकदम वाटर के सरफेस पे। सो ये होता है उसमें एंड इसे 5 to 6 years के बच्चे से स्टार्ट करके कोई भी कर सकता है एंड इसमें इतना ज़्यादा मेजर मेडिकल कंडीशंस भी नहीं चाहिए होते एंड मच मोर। इसकी प्राइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं थे। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर इन अंडमान टू ट्राई इट एंड हैव अ ब्यूटिफुल अंडर वाटर एक्सपीरियंस। एक साथ है अलग अलग अलग। सो डीप सी स्नॉर्कलिंग ट्राई करने के बाद हमने एक और वाटर स्पोर्ट ट्राई किया विच इज कॉल्ड जेट स्कीइंग। सो जेट स्कीइंग में बेसिकली होता क्या है, दे प्रोवाइड यू अ लाइफ जैकेट एंड फिर आप इंस्ट्रक्टर के साथ उसे पहनकर एक मोटर बोट राइड करते हैं। सो इसे करने के दो तरीके हैं, ईदर यू कैन बी विद एन इंस्ट्रक्टर और यू कैन डू इट योरसेल्फ। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट योरसेल्फ तो वो आपको अलाउ कर देते हैं, पर हर जगह पर ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है।
मोस्टली जगहों पर इंस्ट्रक्टर के साथ ही करवाया जाता है। जहाँ पे हमने किया एलिफेंट आइलैंड पे हमने किया, वहाँ पर एवरीबडी वाज डूइंग इट विद एन इंस्ट्रक्टर ओनली। इनका मेरे पास होगा, इनको मैं पहनाऊंगा ना, GoPro पहनाऊंगा। फोटो नहीं चाहिए ना? नहीं, फोटो नहीं। पहले हमारा है, आप करो। भैया कुछ होगा तो नहीं ना? बहुत टाइट पकड़ना है। पहले ही डरा दो तुम मुझे। बहुत तेज मत चलाना भैया। इधर सामने है भाई, सामने सामने। किसे पकड़ना है? किंग इज बेसिकली ग्लाइडिंग ओवर अ सरफेस एंड व्हेन इट इज डन ओवर वाटर देन इट इज कॉल्ड जेट स्कीइंग। सो स्कीइंग स्नॉर्कलिंग से थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बिकॉज स्नॉर्कलिंग में आपको अपनी बॉडी लूज छोड़ देनी होती है एंड यू आर ईजिली फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर। बट जेट स्कीइंग में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोस्चर बना के बैठना होता है बोट पर एंड यू हैव टू ऑल्सो होल्ड द हैंडल टाइटली। सो थोड़ा सा भी आपको मतलब बैलेंस लूज नहीं होना चाहिए, इस वजह से स्नॉर्कलिंग से थोड़ा सा ट्रिकी है। तो वाटर एक्टिविटीज़ तो हो गई एंड अपार्ट फ्रॉम दीज वाटर एक्टिविटीज़ एलिफेंट बीच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल सी व्यू। सो अब टाइम था ब्यूटिफुल से सी व्यू को एंजॉय करने का, कुछ कोरल्स कलेक्ट करने का, थोड़ी देर वेव्स के साथ बैठने का, इस शांत इस पीसफुल से माहौल को पूरी तरह से इंजॉय करने का। And as most of you might know, the Elephant Beach is a reserved forest area. So, यहाँ पर तरह तरह की wildlife भी देखने को मिल सकती हैं. But restricted area है, so हम अंदर नहीं जा पाए. And बाहर से ही हमें कुछ lizards ही देखने को मिली. अभी हम हैं एलिफेंट बीच पे और ये देखें यहाँ से कितना ज़्यादा सुंदर है, पूरा सी दिख रहा है यहाँ से। और अभी हमने यहाँ पे जेट स्कीइंग भी किया और स्नॉर्कलिंग भी की थी वहाँ पे, पूरे ज़्यादा सुंदर है। और वहाँ पे जो वाले हम यहाँ से, पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। बस यहाँ बैठे रहो सामने से, राधा नगर बीच के कंपैरिजन में यहाँ की वेव जो है वो कम है, पर हर जगह का अपना मज़ा है ना। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ है और राधा नगर बीच पे आपको मिलेगा पूरा सनसेट का व्यू और वहाँ पे हाइट, मतलब
स्लाइटली हाइट आइस का मजा ले सकते हैं। So this was it for Elephant Beach and आगे भी हम बहुत सारे amazing vlogs के साथ आपके सामने आते रहेंगे। Until then, do not forget to like, share and subscribe to the channel and do comment on the video.